पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नवरात्रि के पांचवें दिन माता रानी के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र के पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला है। काशीखंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। यहाँ पर हर वर्ष नववर्ष में 9 दिन लगातार हवन होता है और नवमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को लिए नवरात्र चल रहा है? भक्तों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप पूरे व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम प्रथम, और जहाँ तक कि लोगों के यहाँ किसी के यहाँ सप्तमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, वहाँ कहीं नवमी पूजी जाती है, तो आप पहला और अंतिम जो व्रत है वो रख सकते हैं। अगर सारे व्रत नहीं रख सकते, लेकिन अपनी परंपरा को ना छोड़ते हुए और सनातन धर्म का अच्छे से निर्वहन करते हुए ये हमें अपने परंपराओं को जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करना चाहिए और पूजा अर्चना के लिए मंदिर नियम से जाना चाहिए और बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि वो बड़े होकर के अपने देवी देवताओं को ना भूलें और अपना जीवन सात्विकता में व्यतीत करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।